सो व्हाट्सएप दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में बहुत ही बवाल तरीके से आप लोग को इंडिपेंडेंस डे फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तो आप लोग देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से मेरा फोटो एडिटिंग हुआ है, और वो भी फुल HD क्वालिटी में हुआ है। तो इसमें जो भी PNG यूज करेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से यहाँ पे आपको टी शर्ट का कलर चेंज करने के लिए सिखाएं कि आप कैसे तिरंगे कलर का टी शर्ट कर सकते हो। आपको फुल स्टेप बाय स्टेप फोटो एडिटिंग सिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो फेस कितना ही बवाल तरीके से एडिटिंग हुआ है, एंड जो जो आप इस टैटू देख रहे हैं इसको भी आपको लगाने के लिए अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो चलिए, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन का बटन को ऑल पे कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो आप लोग कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही अच्छे तरीके से लिप भी एडिट किए हैं, तो आपको सब सिखाएंगे। चलिए, तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो भी फोटो एडिटिंग करना होगा वो आपको पहले सेलेक्ट कर लेना होगा, और उसको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे हम लाइटरूम एप्लीकेशन में फ़ोटो को शेयर कर लेंगे। तो आप लोग भी फटाफट कर लीजिएगा शेयर, और यहाँ से सिंपली नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक कर लेना है, और जो आप फोटो शेयर किए उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी इसमें ऑल स्टॉक आपको मिल जाएगा, तो ये वाला प्रीसेट को सिंपली हम लोग यूज करेंगे। तो इसका 3 डॉट लाइन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी बॉक्स खाली दिख रहा है उसको सबको टिक आउट कर लेंगे क्रॉप को छुड़ाकर, और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद अपने ओरिजिनल फोटो पे चले जाना, और यहाँ पे इसका 3 डॉट लाइन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो फोटो को। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो 1 क्लिक में कितना ही बवाल तरीके से मेरा फोटो एडिटिंग हो गया है। तो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से फेस गोरा हुआ है। तो आप लोग भी सिंपली इस प्रीसेट को यूज कीजिएगा, तो आपका भी कुछ इस तरह का ही फोटो एडिटिंग होगा। तो इसको ग्रेना है जो हम लोग कर्म कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे चले जाने के बाद मिक्स पे क्लिक कर लेंगे, और जो हमारा ड्रेस का कलर है उसको ब्लू कर लेंगे, जीन्स का है जो, तो उसके लिए सेचुरेशन और ह्यू बराबर कर लेंगे 0 और -3 के करीब, ऐसे करके। इतना हो जाने के बाद फेस को हल्का हम लोग जो लुमिनस है उसको हमको हम लोग कम करेंगे, एंड सेचुरेशन को हल्का भी कम कर लेंगे, इसको भी रेड वाले को। इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेना है फोटो को। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ से हम लोग फोटो कर लेंगे सिंपली शेयर, तो उसके लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से फोटो को हम लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। तो स्नैपचैट एप्लीकेशन में आने के बाद आपको सबसे पहले चलाना है यहाँ पे, एक टूल्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ से चले आना आपको सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे बहुत सारा आपको टूल्स मिल जाएगा देखने के लिए, तो हम लोग सिंपली सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे भी फेस पे ब्लैक टाइप पे दिख रहा है वहाँ पे हम लोग ब्राइटनेस ऐसे करके कुछ देंगे, और सेचुरेशन मैनेज कर लेंगे अगर जहाँ पे सेचुरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा हैंड पे रह गया ब्लैक तरफ, उसको भी हम लोग हल्का यहाँ पे लाइट दे देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चले आना है हल्का हीलिंग पे, इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग फोटो को अब शेयर कर लेंगे। और फोटो को यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे ऑटोडॉक्स एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद अपना फेस स्मूथ करेंगे। तो आप देख सकते हो फोटो कितना ही HD क्वालिटी में अभी तक एडिट हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आना है। आप देख सकते हो फेस किस तरह दिख रहा है, और इसके बाद स्मूथ आप लोग को करके दिखाएंगे।
तो यहाँ पे पेंसिल वाला ऑप्शन पे सबसे पहले चले आना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हैं। हो सके तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये ब्रश और फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ करना। तो आप लोग देख सकते हो कितने बवाल तरीके से फेस स्मूथ मेरा हो रहा है। आप लोग का भी कुछ इस तरह से ही बहुत काल तरीके से फेस स्मूथ होगा, थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग कीजिएगा और अच्छे तरीके से एडजस्ट करके ब्रश को छोटा बड़ा करके करिएगा। तो आप देख सकते हो कितने बवाल तरीके से, वो भी फुल HD क्वालिटी में फेस आपको स्मूथ करके दिखा रहे हैं। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं कीजिए किए हैं वो अभी तक एक लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। तो आप लोग देख सकते हो फेस कितना ही अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से फुल फेस स्मूथ कर लीजिएगा और हमारा कुछ छूट भी गया तो हम स्मूथ करके फोटो रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा कट कर देते हैं वीडियो को इतना से। तो आप देख सकते हो मेरा फेस स्मूथ पूरा पहले से ऑलरेडी करके रखे हुए थे, तो इसको हम लोग शेयर कर लेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन में। इसके लिए डाटा ऑन कर लेना है और फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से फेस स्मूथ मेरा हुआ था। तो फोटो को शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो यहाँ पे फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हो कितने ही बवाल तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, वो भी यहाँ पे अच्छा ही क्वालिटी में बैकग्राउंड को रिमूव हो जाता है, वो भी वन क्लिक में। तो हल्का स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है हम लोग को। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड कटआउट हुआ और यहाँ पे एक फोटो रूम का बटर मार्क आ गया, इसलिए अपने फोटो को हल्का ऊपर की ओर कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से फोटो को कर लेंगे डन और शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से फोटो को कर लेना है सेव टू गैलरी। यहाँ पे हमारा फोटो सेव हो गया। तो ये आपको बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ये भी। तो सिंपली हम लोग इस बैकग्राउंड को शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो सिंपली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद अपना जो फोटो कटआउट किए हैं उसको ऐड कर लेंगे। उसके लिए आपको स्क्रॉल करके इधर आना और यहाँ पे एक ड्रॉ करके ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में कोना में एक ऐड फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है और फिर से फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और जो आप बैकग्राउंड रिमूव किए हैं फोटो को उसको ऐड कर लेना। सिंपली इसको हल्का यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा क्वालिटी में यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हुआ था फोटो रूम एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ से एडजस्ट करके राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद अपने फोटो को यहाँ पे और जो भी इसमें PNG यूज करते हैं उसको यहाँ पे चले आना स्टिकर वाला ऑप्शन पे। उसके लिए डाटा आप लोग ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पे 15 अगस्त आकर सर्च कीजिएगा तो जो भी ये PNG आप लोग को दिख रहा है वो सब आपको मिल जाएगा। तो ये सभी PNG को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो फ्लैग वाले PNG को ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ से रिमूव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ऊपर साइड और उसके बाद जो अपने हाथ के ऊपर आ गया उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग भी रिमूव कर लीजिएगा। सिंपली इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। और फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और भी जो PNG उसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग। तो इस वाले PNG को ऐड कर लेते हैं और इसको कुछ ऊपर साइड अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, इसको हल्का रोटेट कर लेंगे पहले इस साइड करके और यहाँ से एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। उसके लिए ऊपर वाला ये वाला डुप्लीकेट वाला लेयर पे क्लिक करना और यहाँ पे डुप्लीकेट एक लेयर बना के
कुछ इसको भी रोटेट कर लेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करके इतना करने के बाद यहाँ से हम लोग फोटो को यहाँ से कर लेंगे सेव और फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार इस वाले मेरा भारत महान वाला पीएनजी और जो सनलाइट है इसको दोनों को ऐड करेंगे। तो एक एक करके इसको कर लेते हैं। तो इसको कुछ ऐड करने के बाद फ्लैग के ऊपर साइड अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और जो सनलाइट है उसको ऐड करने के लिए ऐड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग कर लेना है स्किन और फ्लैग के ऊपर साइड इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से कर लेंगे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक। तो आप देख सकते हो फोटो अच्छा लुक आने लगा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे भी दो पीएनजी उसको ऐड कर लेंगे। तो ये दोनों पीएनजी को ऐड करने के बाद इसको जो पंछी वाला पीएनजी है उसको कुछ इस तरह से ऊपर की ओर ऐड कर लेंगे अपने। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा, ऑपसिटी हल्का माइनस कर लीजिएगा और जो इस वाले पीएनजी को है वो अपने ड्रेस के ऊपर अच्छे तरीके से बड़ा करके हल्का एडजस्ट कर लेना है और इसका ऑपसिटी हल्का माइनस कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा कि देखने में ड्रेस पे अप्लाई होने के बाद थोड़ा अच्छा लगे। इतना करने के बाद यहाँ से रिमूवेबल ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। रिमूवेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली हम लोग इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो रिस्टोर वाला ब्रश है उस पर क्लिक करने के बाद अपने ड्रेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिएगा, बैकग्राउंड पे न चले जाए। तो आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा कर लेते हैं फास्ट क्योंकि वीडियो पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए सॉरी। आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाते हैं कि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी पे आने के बाद इसको रिमूव हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो गया है ड्रेस पे। तो इस साइड कुछ छूट गया, इसको भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा करके कर लेंगे। तो यहाँ पे डंडे को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि इसका डंडे पे ना आ जाए। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही बवाल तरीके से यहाँ पे ड्रेस पे अप्लाई हो गया। तो इसके लिए यहाँ इसके बाद राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और ऑपसिटी अपने हिसाब से रख लीजिएगा और यहाँ से फिर से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से फोटो एडिट हो गया है मेरा। उसके बाद फिर से स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाएंगे और जो ब्लैक शेडो है इसको ऐड करके नीचे की ओर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका ऑपसिटी हल्का कम कर लेंगे और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके इधर साइड में आना और यहाँ पे एक ब्रशेस का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है और हल्का स्क्रॉल करके इधर आना और यहाँ पे एक बोकेन लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ये वाला बोकेन लाइट को और अपने बैकग्राउंड पे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। और इसका आप सेटिंग देख सकते हो, ऑपसिटी फुल रखना और साइज अपने हिसाब से रख लीजिएगा और बैकग्राउंड पे अप्लाई कीजिएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ गया है मेरा बैकग्राउंड पे। तो आप लोग का भी कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप लोग सीवी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से भी बना सकते हो करके। इतना करने के बाद यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कितना ही बवाल तरीके से फोटो एडिट हो गया है मेरा और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इतना करने के बाद यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे इसे कर उसके बाद यहाँ से फोटो को अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में कर लेंगे शेयर। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना टूल्स वाला ऑप्शन पे। टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कर्व का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो इसको हम लोग ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसका 3 पॉइंट बनाना है, 3 पॉइंट मतलब, तो पहले 3 पॉइंट हम लोग बना लेंगे और इसको कुछ अच्छे तरीके से इसको हल्का बराबर रखते हैं, और नीचे जो पॉइंट बनाए हैं उसको हल्का नीचे कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फोटो में बहुत ही ख़तरनाक इफेक्ट आ गया है, तो आप लोग भी सेम ऐसे ही कर लीजिएगा। और यहाँ से राइट वाला ऑप्शन पे कर लेंगे क्लिक, तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना ही बवाल इफेक्ट आ गया है फोटो में मेरा। इतना हो जाने के बाद यहाँ से फिर से टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे हम लोग, और स्ट्रक्चर और शार्पनिंग को हल्का बढ़ा लेंगे। उसके बाद जो फोटो में क्वालिटी आएगा वो भी बहुत बवाल लगेगा, तो आप देख सकते हो कितना ही बवाल लग रहा है। तो आप कुछ इस तरह से फोटो एडिट करके आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ही भौकाल तरीके से दिखा सकते हो, और बहुत सारे लाइक आप लोग भी पा सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग वीडियो कैसा लगा है। चलिए तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो फोटो कर लेते हैं सेव।